हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैं आप लोग को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है उसके बारे में बता चुका हूं। अगर आप भी अपने बच्चों का प्रवेश चाहते हैं तो आप लोगों को कैसे आवेदन करना है इसका वीडियो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक का प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट है नए और पुराने स्कूलों में, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, उसका जो लॉटरी निकालने का जो तिथि है वो घोषित कर दिया गया है। जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए थे उनको लॉटरी में शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि लॉटरी के बाद आपको 3 से 4 दिनों का ही टाइम दिया जाता है प्रवेश के लिए। तो लॉटरी निकलने के बाद आप लोग को सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप लोग लॉटरी निकलने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग देख ले कि लॉटरी का तिथि क्या है, उस दिन आप लोग छुट्टी ले लेंगे और स्कूल जाएंगे जरूर, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को लॉटरी के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे का प्रवेश हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि LKG में, UKG में और Class 1 में कितने अभी तक फॉर्म आ चुके हैं, क्या आपके बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा। ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपना ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए डाले थे, वे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि एक एक सीट के पीछे 40-40, 50-50 आप लोग का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लें, जानकारी ले लें, और आप लोग का जो अंतिम तिथि आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसको 5 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। कब तक आप लोग का डेट बढ़ाया गया है पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं नवभारत पेपर के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG के लिए कई गुना आवेदन। यहाँ पे देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिन आगे बढ़ाई गई है, तो ये आप लोग के लिए जानना जरूरी था। अगर आप लोग अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो अब 10 मई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं आप लोग। 10 मई तक लास्ट डेट है। 10 मई के बाद आप लोग का जो लॉटरी का डेट है वो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का तय किया गया है। तो आप लोग को लॉटरी में ज़रूर शामिल होना है ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल जाए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है या फिर। आप लॉटरी में नाम आने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा। उसके बाद आप लोग का अगर बच्चा KG 1 नर्सरी में है तो आप लोग का उसके लिए कोई रिजल्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग का पिता का, माता का और बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र, पिताजी का आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, और बच्चे का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड जरूर लगेगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे इस पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वो अच्छे से देख ले। सबसे पहले आप लोगों का बच्चे का जन्म तिथि, जन्म जो प्रमाण पत्र है उसको आप बना लेंगे, बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, दोनों पेरेंट्स का, माता और पिता का आधार कार्ड। उसके बाद आप लोग को निवास प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो इतने आप लोगों को डॉक्यूमेंट बना के रख लेना है। इतने डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों का जो अगर लॉटरी में आप लोगों का नाम आ जाता है तो आप लोगों को 11 तारीख से लेकर 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में आपको स्कूल में प्रवेश दे दिया जाएगा और 15 जून से आपका स्कूल स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको आपको बता सकूं और आपको आसानी मिले प्रवेश प्रक्रिया में, ठीक है। अगर आप लोग एक से अन्य स्कूलों में, मतलब एक स्कूल में तो आवेदन डाल दिए, फिर उसके बाद दूसरे में भी डाल दिए, तीसरे में भी डाल दिए, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ये फाइनल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी एक स्कूल के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा, सिर्फ एक ही स्कूल में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टाइप का आपको अगर क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे के अपडेट के लिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में मैं ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद।